Hi guys, welcome back to Switch Lees. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं The Boy Memes Channel से वाकया सीन है. Trending memes, Dank Indian memes, memes compilation 2023, episode 27. Let's start the video. इसकी original link आपको description में मिल जाएगी. मतलब आप लोग भी सोचते होंगे यार कभी ना कभी कि हाँ ये क्या पागलपंती करती रहती कभी कभी यार हो जाता है कभी कभी. ठीक है, मुंह जबान फिसल गई है ना, तुम लोगों से कभी कोई गलती नहीं होती. चलो वीडियो देखते हैं, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है Achint_91 का कि आप घर पे क्या पहनते हो. एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, किसी को पता ही नहीं. कुछ नहीं. हे भगवान, अभी इनका ठरक का लेवल कितना ऊपर जा रहा है पहले ये देख लो. मतलब भाई साहब, इनको टांगे अपनी क्रॉस करनी पड़ रही हैं, इस कदर हर की हैं. वाह क्या बात है. वो क्लेचर उठा रही थी अपना गधे. मतलब मेरे दोस्त, मेरा मन नहीं करता है, अब ऐसा लगता है चला जाए इस दुनिया में. मौजूद है, इन्हें लग गाल कर ले. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. चाचा जी की हाल चाल है? शुक्र है राज दा. अच्छा मैंने यह दसो, खान नु तुसी सपोर्ट करन आए हो जी? और लौड़ा लेना है. रिपोर्टर कभी बुड्ढों के पास नहीं जाएगा. कभी नहीं जाएगा. ब्रदर कैन यू स्टैंड अप? आई वांट टू सिट. व्हाई? This is not a lady seat. What if this is not a lady seat? Can't you give seat to a lady? No. भाई टांगों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे खड़ी रहोगी तो. ये क्या बात होती है? बेचारा एक तो लड़ झगड़ के वो कैसे, मतलब कितना इंतजार करने के बाद उनको सीट मिले है ना, उसके बाद बेटा उठ जा. MC Stan, तेरी माँ. अल्लाह माफ कर यार, क्यों ऐसे गंदे लोग. फक यार, तुम कितने गंदे रहते शे यार. माँ यार, माँ कैसा लगता हो माँ पे का. अगर आपको एक दिन के लिए हाजी संधू बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं ये मौका गवाना चाहूंगा दोस्त. क्यों भाई? एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड, एक तरफ मैं, क्या चलोगे? आपने जो मुझे दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता. भाई ये तो साल का. लाल बंदी कहाँ मिलेगी? आपके साथ कहाँ मिलेगी? यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ सारी चुनार बंदी मिलेंगी. खुद वैसे है ना, इसीलिए बाकियों को जानते हैं. हर किसी के बारे में ये एक ही राय बनाते हैं. गए. हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो नाचेंगे. तुम गिरो पड़ो कुछ भी हो जाए.
ये क्या था भैया, ये अपने आप कैसे अपने आप स्कूटर और रोड लड़ रहा है कि ये मेरी गलती है? नहीं, मेरी गलती दो मिनट का मौन उस आईफोन के लिए। हद है यार, इतना महंगा फोन ऐसे ही करके दिखा रही। अबे चूतिया है, हाथ में लेकर फोन नहीं दिखा सकती थी, डब्बा ले रही। नो कमेंट्स। पहले मेरे पेरेंट्स से बात करो, मैं फिर हाँ बोलूंगी। मैंने वो अपने पेरेंट्स को कल कैफे में बुला लिया मिलने के लिए। A few moments later. एक मिनट। आप यही वंडर वुमन गीता जी है ना? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ डेली, और वो आपकी वीडियो थी ना वही कुंडी लगा लो सही है, तुम्हें जन्नत दिखाती मैं। ये सब भी सब मन मानने वाले, देखो पहले इनको। गाने बोला है, गाने ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो गंदी रहेगी ना। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। वाओ, ओह गॉड, देखो यार सबसे पहली बात तो देखो, मीम्स बनाने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स को, साउंड्स को, बीप को, हर एक चीज़ को, मतलब फ़ोटोज़ और उसके साथ साथ टैग्स, कई सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइंड करके उसके बाद एक मीम बनता है ना। और सोचो जब आप मीम कंपाइलेशन देख रहे हो तो कितने सारे कितनी सारी वहाँ पर क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ठीक है। तो यार देखो, सपोर्ट करना तो बनता है ना। वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी मैंने कि लाइफ ऑफ मीमर है ना, तो लाइफ ऑफ मीमर क्या होती है, कितना भी कुछ भी कर ले है ना, लेकिन लोग तो बस झंड करके रह जाते हैं कि हाँ यार एक जोक सुनाना। तो वही वाला हाल हो जाता है भाई रियल लाइफ में। ये हाल सिर्फ मीमर का नहीं है, ये हाल कॉमेडियंस का भी है, ये हाल बहुत सारे लोगों का है। एक्टर्स को हमेशा मतलब प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, कॉमेडियंस को हमेशा उनके दिमाग में जोक्स ही रहने चाहिए, मीमर्स के दिमाग में हमेशा उनके दिमाग में मीम ही रहना चाहिए। यार इंसान ही है, ठीक है, मशीन नहीं है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन किसी पर मत थोपा करो, है ना। सो यार बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।